बुलाइए, फोटो के लिए बुलाइए। मेरे पास यहाँ पे सामने है सर जी। शर्मा जी बेटा मेरे पास सामने यहाँ पे मैम सामने सेंटर में यहाँ अरे क्रॉप को क्लोज जाऊंगा इसके बारे में प्लेट के बारे में। हाय मेरा नाम रियाना, मैं इंदौर से हूँ और ये अली सर का नंबर मिला तो अली सर ने मुझे बुलाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। ठीक है आप बताइए भाई साहब क्या क्या करने जाएंगे। सर मेरा नाम किशोर है, राजस्थान के जालौर जिले से हूँ। मेरे पिता आप बताइए। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम विजय है। फिर मुझे इसमें रोल मिला है कि मैं अपनी बहन को जाती हूँ, मुझे अपने पापा से झगड़ा करना है कि मेरी बहन को खोज के लिए। आप सर बताइए क्या करना चाहेंगे। मेरा नाम अनुज यादव है, मैं जौनपुर से हूँ और मेरा इसमें सेकंड रोल सेकंड लीड का कैरेक्टर है और हम लोग कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, हम लोग के साथ घटना हो जाती है। और बी एस अली सर के बारे में क्या करना चाहेंगे, जो मौका दे रहे हैं आपको इस फिल्म में, अली सर के बारे में क्या कहेंगे आप। अली सर के बारे में कहूँगी कि उन्होंने ना हमें मौका दी काम करने के लिए और हमें बुलाया, जब इंदौर से यहाँ बुलाया, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। भाई आप सर बताइए क्या कहेंगे। मैं भी बहुत खुशी हूँ सर ने मुझे बुलाया और एक्साइटेड हूँ कि फिल्म की शूटिंग में। जी यार मैं इतना खुश हूँ कि मैं जो है एस बी एस सर के थ्रू में यहाँ काम मुझे मिला है और मैं काम करने मतलब इस मुझे इतना खुशी हो रहा है कि सर ने हमें इस काबिल समझा कि हमें सेकंड लीड रोल दिया है इस मूवी के करने के लिए, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमको इस काबिल समझे। तो पहला प्रोजेक्ट है आपका, आपके पहला प्रोजेक्ट है, क्या करते हैं आपका कैसे पता चला आप लोगों को इसका इसके बारे में। हमारे भैया जो उनके उन्होंने मोबाइल में से नंबर निकाला और कहा कि अली सर का नंबर है, तो हमने फोन लगाया, अली सर ने कहा जाइए तो हम आ गए। आपको कैसे पता चला। ये पूछ रहे क्या अच्छा पहली फिल्म में या पहले भी किया था, क्या करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं आप, क्या करते हैं, जॉब करते हैं आप, क्या करते हैं भैया। मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं कौन से क्लास में। एट क्लास। आप। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में हूँ। अच्छा, तो फिल्मों में का शौक कैसे हो गया, मतलब फिल्म में काम करने का क्या विजन क्या है, कारण क्या है। कारण तो कुछ भी नहीं है सर, बस शौक था क्या, और कारण कुछ भी नहीं। आप बताइए। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं बड़ा होकर एक्टर। क्या बात है, आप बताइए। मुझे भी मन करता कि बड़ा होकर सर। मैं तो वैसे भी फिलहाल अपना कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाता रहता था, यूट्यूब वगैरह रील्स वगैरह। हाँ हाँ। तो मुझे अच्छा इसमें आने का बहुत ही अच्छा लगा कि मैं इस मुंबई शहर में जाऊँ और मतलब ऐसा जगह जाऊँ कि जहाँ मुझे सपोर्ट मिले, और मैं सर के पास आया, आज मुझे इस मूवी में काम मिला करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है तुम्हारे फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में। अक्षय कुमार। क्यों अच्छे लगते हैं। क्योंकि उनका जो है स्वभाव सबसे अलग है और वो बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं, इसलिए चलिए थैंक यू। लोग इसको शूट के लिए निकलेंगे अप्रैल लास्ट तक निकलेंगे और ये ही फिल्म है और इसका जो सब्जेक्ट है वो सस्पेंस थ्रिलर। कल से जिसका बर्थडे पूरा कॉलेज मनाना चाहता है, वो कॉलेज में अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती, उसका अपनी फरमाइश है कि वो अपने फार्म हाउस पर बर्थडे मनाए और वहाँ जाती भी है और सब लोग जाते भी हैं और गर्ल्स बर्थडे गर्ल्स जो है वो गायब हो जाती है, बाकी सब सच। तो जो कलाकारों को चेंज किया आपने उसका बताइए कि कैसे कलाकार इसमें मार्केट के भी हैं, अभी नाम नहीं घोषित करूँगा और बाकी प्रेशर है काफ़ी, मैंने दूर दूर से लोगों को पूछ किया और ये सब मेरे बोलने पर आए, मैं भी इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात सुनी इन्होंने और मेरे बोलने पर यहाँ तक पहुँचे और इनका हौसला अफजाई करता हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत की कि कदम बढ़ा। सर आप बताइए आप पढ़ चीज़ जोड़ जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़े हैं आप इस प्रोजेक्ट से। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ कि नाम से प्रत्येक बोलिए नाम से कोलकाता सर नाम से बोलिए कोलकाता यस बोलिए नाम क्या सर। मेरा नाम अभिजीत है, अभिजीत शाह। तो मैं मेरे पास फ़ोन आया था इस प्रोजेक्ट के लिए
जब मुझे फ़ोन आया तो उतना मुझे मतलब मैं उतना गौर नहीं किया, तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इसके ऊपर पढ़ा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, इस जगह से मैं जुड़ा, उसके बाद मुझे काम मिला। तो आज मुझे जब काम मिला मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या करना चाहेंगे, पर्चे दीजिए, आप जानना चाहूँगा कोशिश करें। फोन बोला ना साइलेंट करने हुए सर। जी 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 सर। कैसे जुड़ा आप? मैं तो कलकत्ता से आ रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर मेरा वाली साहब हमको फोन करके बुलाया। थिएटर सस्पेंस पिक्चर में है, तो उसमें मैं एस पी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। एस पी का, यस। तो बाकी आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा। स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छा है, डायरेक्टर सब तो है ही हमारा, सब लगभग अच्छा ही होगा। हम आप लोग का साथ भी जाएंगे। सर आप जब आप बताइए, पर्चे दीजिए और जानना चाहूँगा आपके बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में, और अली सर जिनके साथ काम कर रहे हैं। जी मेरा नाम आर्यन अवस्थी है। मैं 6 महीने पहले मैं गूगल पे देख रहा था और फिर बी एस अली साहब का मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिला, मैंने कॉल किया। इससे पहले भी मैं यहाँ पे मुंबई में एक विपिन कुमार करके हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बुलाया था और बहुत फेक था वो, तो इस वजह से किसी के लिए नहीं बोल सकता। नहीं मैं बोल सकता हूँ उनके लिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने सर मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरा बिलीव सर से बात करने के बाद मेरा बिलीव जागा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो मैं खो दिया था, ऐसा होता है जब हादसा जिंदगी में लाइफ में, जो मैंने कॉन्फिडेंस खो दिया था सर से बात करने के बाद, वो कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर, वो जो एक टैलेंट मेरा जो समझते हैं कि बुझ गया था पूरी तरीके से, उसमें फिर भावनाएं आई, फीलिंग्स आई, और मैंने सोचा, मैंने सर से बात की, सर ने मुझे मोटिवेट किया। फिर हाइट को लेकर भी सर से बात हुई कि मेरी 5'4" हाइट है और मैं क्या कर सकता हूँ, तो सर ने बोला कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी के अंदर, हाइट मायने नहीं रखती, फेस मायने नहीं रखता। और सर की बातों से प्रभावित हुए और हम आए। इस मूवी में मेरा करेक्टर है एक इंस्पेक्टर का करेक्टर है, जो कि काफ़ी डिसिप्लिन वाला है और बहुत कड़क इंस्पेक्टर है, न्याय में बिलीव करता है। इसमें मेरा ही करेक्टर है और ये मैं बी एस अली सर साहब को कहना चाहता हूँ कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने, मैं यूपी से हूँ, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से सर ने बुलाया मुझे। और अली सर इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बताइए, जो आप कलाकार को चयन करते हैं उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, कैसे आप उनको नलिश करते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं? देखिए कैसा है, इनके अंदर क्या है वो मुझे देखना रहता है। इनके अंदर अगर 10% है तो बाकी का 90% क्या करने की कैपेसिटी में रहता है। और बाकी कोई ऐसा कोई भी कम्प्लीट नहीं है, ना कोई कम्प्लीट एक्टर है, ना कम्प्लीट कोई डायरेक्टर है, एक्सपायजेड कोई भी कंप्लीट नहीं है, सभी अनकम्प्लीट है। कंप्लीट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, किसी छोटे बच्चे से भी सीखना पड़ता है। डायरेक्टर का काम किडनैप भी करनी है, डायरेक्टर का काम है सबसे सीखना, वही मैं सीखता हूँ, इन लोगों से भी सीखता हूँ, इनको सिखाता भी हूँ, सीखता भी। तो क्या प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कब शुरुआत करने वाले? अप्रैल एंड से हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ा स्क्रिप्ट पर काम चालू और चालू हो, क्योंकि ऐसा होता है स्क्रिप्ट एक बार में फाइनल नहीं हो जाता है। और भी तो प्रोजेक्ट है इसके अलावा सर? इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है हमारा मराठी, वो मेरे मित्र जब बैठेंगे तो मैं आपको म्यूजिक किस तरह का होगा, म्यूजिक किस तरह का होगा, म्यूजिक अपना बॉलीवुड का जो म्यूजिक है वही। कितने गाने होंगे इसमें? 5 गाने रहे और गाने सब पे फिल्माए जाएंगे, यहाँ तक कि एसपी तक पे फिल्माए जाएंगे। क्या क्या बात है, चलिए सर मुझे बोल दो। थैंक यू जी। जी मेरा नाम ममता मिश्रा है और मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बी एस अली सर का और श्री हर्ष का, जो मुझे इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने काम दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं ममते पढ़ के रिजल्ट करना। मेरा नाम साजिदा खान है और मैं नासिक के रहने वाली हूँ। मुझे भी सर का नंबर गूगल से ही मिला था और मैंने इनसे बात किया, फिर सर ने कहा पहले आ जाइए, हम देखते हैं आपका काम, फिर आगे मूवी के लिए हमें बताया गया, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो आप दोनों का पहला प्रोजेक्ट है, पहले तो कुछ किया मेरा पहले ही। आपने? जी मैंने पहले एक सॉन्ग किया था होली सॉन्ग लास्ट ईयर, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, अभी सर ने मुझे जान दिया।
मैम आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, आप आपसे पूछो। मेरा नाम काजल है, मैं सर और अली सर के साथ और सत्यनारायण के साथ में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, एज अ कास्टिंग डिपार्टमेंट भी हैंडल करती हूँ मैं और सर के साथ में अली सर भी करती हूँ, और जो न्यू कमर्स है उनको हम चीज़ें सिखाते हैं अली सर के अंदर, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है और वही चीज़ें वो सिखाते हैं। बच्चे आप बताइए, क्या नाम है आपका? इनके साथ कोई है तो बोलिए। मैम आप इधर आइए, आप बताइए ना उनके बारे में, क्या है, क्या है, किस तरह आप लोगों ने अप्रोच किया? मेरा नाम रेशमा है, ये मेरी मतलब मामा की लड़की है, इसका नाम प्राची है, हम लोग कल्याण के रहने वाले हैं। तो किस तरह से ये फिल्म आपको मिली? न्यूज़पेपर में वो पढ़ा था, वहाँ से नंबर मिला अरुण सर का, उनको कॉल किया था, उसके बाद हम लोग गोरेगांव आए थे, तो इसका फर्स्ट टाइम ऑडिशन हुआ तभी उसको सिलेक्ट भी किया था, तभी से आ रहे। पहले काम किया बच्चे ने कभी? नहीं नहीं कभी नहीं किया, हाँ फर्स्ट टाइम। तो अली जी किस तरह का इनका रोल होगा, इनका बच्ची का रोल? इनका फैमिली में रोल है, जहाँ से जो लड़की गायब होती है उसी फैमिली में उसके भाई की डॉक्टर के रूप में। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर, एक सेकेंड जी सर, चलिए बोलिए, शुरुआत कीजिए। ये आर्यन है जिनको मैंने बाराबंकी से यूपी से बुलाया, और ये गोल्डी है जिनको मैंने दिल्ली से बुलाया। अब आप गोल्डी जी से सवाल। गोल्डी गोल्डी बताइए आप क्या करना चाहेंगे? हाँ मेरा नाम है पूरा गोल्डी सिंह, और दिल्ली मयूर विहार से हूँ। और जैसे कि मेरे बीच डायरेक्टर बी एस अली सर बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद कहूँगा तहे दिल से कि सर ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, मीडिया के सामने आने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी चीज़ जो ये मूवी है, तो इसके बारे में, ये सस्पेंस मूवी है, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, जाहिर सी बात है जब ये सस्पेंस है तो मैं भी सस्पेंस ही रहूँगा, और डायरेक्टर सर ने या औरों ने क्या बताया होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मूवी सस्पेंस है तो मैं भी सस्पेंस ही रहूँगा। नहीं नहीं, तो ये तो सस्पेंस रखें, आप अपने बारे में बताइए ना, आप खुद के बारे में सस्पेंस मत रखें, आप क्या करते हैं बेसिकली? बेसिकली आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट फॉर पीसीबी दिल्ली से, एज अ कोऑर्डिनेटर मैं कोचिंग भी देता था पहले मार्शल आर्ट के बच्चों को, और अभी फ्री चल रहा हूँ, बाकी सर ने मेरे को फोन करके बुलाया तो मेरा यहाँ पे आना हुआ है। अली सर कोई और कलाकार है? आप बताइए, आप थोड़ा सा नाराज थे पता नहीं, आपको अभिनय का क्षेत्र अच्छा नहीं लगता है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? अली सर ऐसे आदमी, अच्छे आदमी के साथ आपका संपर्क हुआ है, अच्छी बात है, बताइए अभी लगाइए मत। इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा नंबर लगा और सर से मेरी बात हुई और आज हम सर के सामने बैठे हैं। मैं जितने दिन से सर आपके कांटेक्ट में हूँ, बीच में मैंने दो बार रात में मैंने ड्रीम भी देखा आपको लेकर कि मैं आपके बगल बैठ सकूँ, ऐसा मेरे को मतलब एक जैसे होता नहीं कि किसी चीज़ का खुमारी छा जाना, बस वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। और मैं रियल लाइफ में मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ वहाँ पे, और एक एडवोकेट भी हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है और मेरा लगाव है फिल्मों से, आर्ट से, और सर जो है हमें मिले, अब जो भी सपने हैं सर के साथ। ठीक है, और कोई कलाकार और आ गए? हाँ। एक पकड़ लो, मतलब मेरा नाम शौर्य शंकर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन अब इस टाइम फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ, और मुझे अली सर ने अपनी अपकमिंग मूवी बन जुबान के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया है, और इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। पहले से आप कौन सा काम किए हुए जी? पहले से कोई काम वर्क किए? पहले से एक्चुअली सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जी सर? किस तरह का आपका कैरेक्टर होगा सर? एक्चुअली जो ये मूवी है बंजुबान, इट्स अबाउट मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो राज का है। और कौन आपके फेवरेट एक्टर रहे हैं बॉलीवुड में जिनसे इंस्पायर होकर आपने एक्शन की करने की कोशिश की? बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर आपके कौन है जिनसे इंस्पिरेशन हासिल किया? इंस्पिरेशन तो सर मैं शाहरुख खान, मिस्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान इंस्पिरेशन तो मेरे ही हैं, और अली सर मेरे मेंटर और गॉडफादर हैं, और इसलिए इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।
एसोसिएशन कैसे है, जुड़ाव कैसे है? सर मेरे भी मतलब कैसा है, एक हिसाब से ही जो है रामदास जी मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा। एक्टिंग मैंने सिखाया है, आज ये डायरेक्टर हैं और फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं, शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और जब से लेके आज तक कम से कम हो गए होंगे आठ साल से वो मेरे से लगाव रखते हैं और जुड़े हुए हैं। अब सवाल इनसे करिए, क्या बैकग्राउंड है, कैसे मुलाकात हुई सर से, क्या हेल्प आउट किया, आगे क्या करने वाले हैं, पहले क्या करने वाले हैं? सर जिस समय में एक्टिंग में घुसा हो उस सर की वजह से, तो मतलब एड से मैंने पेपर में पढ़ा और एड सुना, जैसे भी मैं आया तो सर ने कॉल किया, मतलब भाई काम मिलेगा, फिल्म में काम मिलेगा, तो बोला मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे ही आया और एंट्री किया मैंने और उन्होंने ऑडिशन मेरा लिया तो फाइनल बता दिया आप भाई सिलेक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैं इतना उससे पहले बहुत दुखी था, नहीं सर उस समय आने के बाद जो है ना इतना खुश हो गया, खुश तो मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ सर को, कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो सर के बारे में, सर तुम्हारे गुरु है और उनको हमेशा मैं याद रखूंगा, और उनके वजह से मैं आज डायरेक्टर बन चुका हूँ और मराठी फिल्म कर रहा हूँ, और इसके बाद आगे तो हमारा मराठी फिल्म आ रहा है। तो सर ये भी कहना चाहूँगा, आपका जो प्रमोशन कर रहे हैं मोहन जी, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। मोहन जी तो बहुत बढ़िया प्यारो है, उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समोसे भी खुद ही मंगा लेते। और हमारे ये जो साथी हैं रामदास जी, ये मराठी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं हम दोनों मिलके, इसका नाम है परत शिवाजी आले, अब बाकी की आप इनसे बात करिए। या ठिकाणी आज मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो, आज काळाची गरज आहे, शिवाजी यायलाच पाहिजे, आणि ती मराठी मूवीमधून आम्ही दाखवणार आहे की आज परत शिवाजी आले, शिवाजी कसे आहेत काय आहेत ते तुम्हाला मराठी मूवीमध्येच बघायला मिळणार आहे। जे शिवाजी होऊन गेले त्याची डुप्लिकेट आजच्या युगामध्ये ते तुम्हाला पाहायला मिळते, आणि त्याची कास्टिंग याच्यानंतर ही मूवी झाल्याबरोबर सुरू झाल्याबरोबर कास्टिंग चालू होणार आहे। तर जे इच्छुक असतील ज्यांना पण तर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करायचं, सरांना कॉन्टॅक्ट करा, मला कॉन्टॅक्ट करा, चालेल, आणि कास्टिंग त्याप्रमाणे केली जाईल, कॅरेक्टर आहे त्याप्रमाणे कास्टिंग केली जाईल, तर सगळ्यांना चान्स मिळणार आहे। आणि आम्ही आमचं एक स्वप्न आहे, तळागाळातून कलाकार तयार झाला पाहिजे, आणि जर सरांच्या सान्निध्यात राहून मी ते करणार आहे, एवढंच मी सांगू इच्छितो। परत शिवाजी आला आणि बघायला या, तुम्ही स्वतः कलाकार आहात सर्वजण, तुम्हाला काम करायची इच्छा आहे त्यांनी यावा, आणि त्यांना चांगलं कॅरेक्टर मिळणार आहे आणि प्रत्येकाचं आपलं स्वप्न पूर्ण होणार आहे। तर मग त्यामध्ये म्युझिक कुठल्या असणार मग? ते आताच आम्ही हे सांगू शकणार नाही, आणि कास्टिंग पूर्ण झाल्याशिवाय म्युझिक आणि बाकी सगळं जे आहे ते नंतर सांगणार, आणि ते लोकेशन वगैरे काही सगळं नंतर, ज्यावर पूर्ण हे होत नाही, कास्टिंग पूर्ण होत नाही तोपर्यंत लोकेशन वगैरे डन होत नाही। फक्त एक टायटल सांगितलं, शिवाजी परत आले, हे होणार आहे, चालू होणार आहे, याच्यानंतर कास्टिंग चालू होणार आहे, त्याच्यानंतर सगळं नक्की करूनच सगळ्यांना कळवलं जाईल, नंतर मीडियाचं मीडियामध्ये ते डिक्लेअर केलं जाईल। थँक्यू सर, थँक्यू, धन्यवाद। Everybody clap for him. हम आपको अपनी टीम से, ये हमारे रामदास जी जो मराठी में डायरेक्शन में रहेंगे साथ में, और ये हमारे राइटर संजू साइक्लोनी जी, रंजू साइक्लोनी सॉरी रामदास जी, नमस्ते सर। तो अली सर के साथ में बहुत दिन से मैं काम करता हूँ और डायरेक्शन में काम करता हूँ, और मैं अपना खुद भी डायरेक्शन करता हूँ मराठी प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल। इसके बाद अभी अली सर का जो ये है बंद जुबान, ये अभी अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल एंड तक, उसके बाद मराठी फिल्म का कास्टिंग चालू हो जाएगा, परत शिवाजी आले मराठी फिल्म है, तो त्याच्यामध्ये डायरेक्शन आम्ही करतो आहे, सर पण साथ आहे, संगती आहे, आणि ही सगळ्यांनी पाहावा अशी माझी इच्छा आहे। आणि बाकी हा बंद जुबान झाल्यानंतर त्याची कास्टिंग चालूच आहे, आत्ता पण चालू करणार आहे, शिवाजी के ऊपर ही है, जैसा शिवाजी था वैसा आज का जमाने का शिवाजी मार्केट में आ रहा है, मतलब आ रहा है, वो क्या है वो कुछ स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा, अभी हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो राइटर से बैठे हुए आप बताएं जी।
ओके सो मेरा नाम रंजू साइक्लोनी है और अभी बंद जुबान से पहले ऑलरेडी आई हैव एसोसिएटेड विद अभिजी एज ए राइटर जो प्रीवियस प्रोजेक्ट ने किडनैप्ड एज ए राइटर फॉर ग्रीन वर्ल्ड मीडिया सो शूट दैट वॉज ऑलरेडी कम्प्लीट एंड इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन नाउ सो रियली आई शुड से आई एम लकी बिकॉज गॉट सेकेंड चांस फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड मीडिया एंड अलीजी टू डिस्कस विद मी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम्ड बंद जुबान हॉरर सस्पेंस थ्रिलर एंड सो मेनी ट्रैक एडेड इन द कॉन्टेंट एज यू सी अपर कम्प्लीट द शूटिंग सो दो शब्द और कहना चाहूँगा कॉन्टेंट के बारे में कास्टिंग मेकिंग छोड़ के अलीजी जिस तरीके से कंटेंट की प्लान आउट करते हैं वो ये एक यूनिक चीज़ है सो वो परत दर परत हर चीज़ को समझना चाहते हैं कंटेंट बेस्ड कि अगर कहीं हम ट्विस्ट टर्न देते हैं तो भी उसकी लॉजिक क्या है कहानी के पीछे लॉजिक क्या है सीन दे रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है सो थोड़ा सा वक्त लगा बीच में किडनैप की शूटिंग के वक्त इसे रोक दिया गया था फिर वापस बंजुबान की फिर वापस राइटिंग स्क्रिप्ट वर्क शुरू हुआ फिर डिस्कस हुआ एंड राइट नाउ द स्क्रिप्ट इज इन फाइनल स्टेज अभी आपको बहुत जल्द उसकी शूटिंग वगैरह देखने को मिलेगी सो फिलहाल बंजुबान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जी थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स टू यू पीपल टू कवर अस थैंक यू ओके जो प्रोडक्शन हाउस है आपका JWM कब स्थापित किया था आपने और शुरुआत में क्या आपको संघर्ष रहा और क्या क्या किया है प्रोजेक्ट उसके लिए बताइए अपने शुरुआत से देखिए शुरुआत तो हर किसी की जीरो से होती है तो वैसे भी मेरी भी जीरो से बहुत सारे डायरेक्टर आए खटमल होते ना खटमल जो खून चूसने वाले होते हैं है ना बहुत सारा खून चूसा गया शरीर पतला हो तो उस खून चूसा चूसा के इतना कुछ सीख लिया भाई अब बस करो है ना खून बचा नहीं और जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है ये कम से कम 12 साल पहले मैंने शुरू किया मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की अनगिनत उसकी मुझे कोई गिनती नहीं मैंने दो प्रोजेक्ट भी किए जो अभी रखे हैं रिलीजिंग की तैयारी पे हैं बट जब भी रिलीज होंगे तो होंगे जरूर बाकी वेब सीरीज वगैरह सब मेरा शौक है शॉर्ट फिल्म मेरा शौक है क्योंकि मैंने वो को लेकर जिनको एक्टिंग नहीं आता है उनको लेकर सबसे पहले मैं छोटा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ से ये लोग सीख लें तब बड़े कैमरे का सामना कर सकें तो क्या प्रक्रिया है किसी को अगर जुड़ना है आपको प्रोडक्शन हाउस से तो क्या प्रोसेस होता है किस तरह से जुड़ते हैं आपको प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है हमको समझ में आता है भाई आज स्वागत करें नहीं समझ में आता हज़ारों कॉन्टैक्ट पड़े हमारे पूर्व लेकिन हज़ार लोग वो थोड़ी बुलाए जो हमें कास्टिंग में समझ में आएगा कि भाई हाँ इसको हम काम दे सकते हैं तो उसी को हम काम देंगे अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तभी नहीं होगा तो नए लोगों को तो मौका देते हैं आगे कुछ प्लानिंग है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह करने का ये बड़े प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं अभी बंद जवान कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट है पांच गाने तो आप समझ लीजिए छोटा तो होगा नहीं और हिंदी का है और आज के माहौल में क्या करने देंगे एंटरटेनमेंट ओटीटी का जमाना है तो क्या सर ओटीटी कितने दिन चलेगा मैं तो इतना जानता हूँ कि तीन महीने बोल के पैसा भी नहीं दे पाएंगे बेचारे लोग जो प्रोड्यूसर है वो लाइन में लगे रहेंगे और पैसा नहीं मिलेगा उनको और कुछ सर और यही कहना चाहूँगा कि क्या आप कहना चाहेंगे कि जब प्रोडक्शन हाउस स्थापित आप किए हैं जो कलाकार को संघर्ष होता है किस तरह से आप मोटिवेट जैसे करने की बात की एक कलाकार में किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप देखिए मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं जादू कर रहा हूँ उसको मैंने फूंक दिया उसको मोटिवेट कर दिया वो आ गया मोटिवेट करने का मेरा मतलब होता है कि उसके अंदर वो अपनी कमी है मुझे बताता है सर मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई कमी नहीं है इसको कमी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे छोटी हाइट को सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है ठीक है और जो सबसे लंबी हाइट है उसको भी मिलती है बीच वाले को मतलब जो है मॉडल है लेकिन जो छोटी हाइट का है वो सबसे बड़ा मॉडल है नहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज अगर हम किसी भी आर्टिस्ट जो मार्केट में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं अगर उसको यहाँ बुलाते हैं तो सबसे बड़ा मुंह खोलेगा आके बोलेगा राम राम साथ लेके चलते।